उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में उस समय वड्डा हादसा वापर गया जदों करीब 50 बरातियां नूं लैके जा रही एक बस 200 फुट डूंगी खाई दे विच डिग गई। इस भयानक हादसे दे विच 32 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, जबकि बाकी लोग बुरी तरह जख्मी हो गए ने। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस वालों मौके पर पहुँच के राहत बचाव कार्य शुरू कर दिए गए। जानकारी अनुसार यह भयानक हादसा पौड़ी गढ़वाल जिले सिमड़ी पिंड नेड़े रिखनी खाल बिरो खाल रोड से वापरिया। दरअसल बरातियां नाल भरी एक बस लाल टांग तो काड़ा तला विखे जा रही सी। रस्ते विचों बिरो खाल दे सिमड़ी बैंड नेड़े बेकाबू होके खाई विच डिग गई। स्थानक लोकां दा कहना है कि यह हादसा बीती रात 7:15 बजे के करीब वापरिया, जिस विच परिवारां दे परिवार खत्म हो गए। इस हादसे कारण पूरे इलाके दे विच सोग दी लहर फैली हुई है। अभी मुझे 7 बजे खबर मिली है स्थानीय लोगों से कि वहाँ पे एक बस गिर गई जो बारात की थी और उसमें शायद 45 से 50 लोग थे। और मैं भी अभी क्षेत्र में वहीं जा रहा हूँ घटनास्थल पर, और वस्तु स्थिति अभी बाद में पता चलेगी, क्योंकि अभी वहाँ अंधेरा है, जंगल का रास्ता है, और क्योंकि वहाँ अंधेरे की वजह से अभी यथास्थिति का पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जैसे लोगों का कहना है कि 45 से 50 लोग थे और काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं और 300-400 फुट नीचे जो है बस गिरी। उधर जदों इस संबंधी जिले के डिप्टी कमिश्नर विजय कुमार जोग दंडे नाल गलबात की गई तो उन्होंने आख्या कि साढ़े वालों राहत और बचाव कार्य तेजी नाल किए जा रहे हैं, जख्मियों को कढ़ के हस्पताल पहुँचाया जा रहा है। और यहीं से इसको जहाँ पर दुर्घटना हुई, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे ये दुल्हन का गाँव पड़ता है कांडा थल्ला, और बहुत बड़ी दुर्घटना हुई रात को करीबन 6:45 या 7 बजे के लगभग। और हम बहुत दुख की बात है, पूरे क्षेत्र में एक बड़ा शोक की लहर, समझो कि माने पूरा पूरे परिवार लोगों के। अभी हमने रात को जब हम यहाँ पे 11 बजे पहुँचे, हमने देखा तो कई लोगों के पूरे परिवार चले गए इसमें, और क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी हानि और बड़ी दुखद घटना हुई है। इस घटना मगरों सूबे दे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अते साबका मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी हैलीकॉप्टर जरिए घटना स्थान ते पहुंचे अते बचाव कार्यों दा जायजा लिया। 4 तारीख को शाम को 7:30 बजे एक बस जो है खाई में गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी, उसमें 45 से अधिक व्यक्ति होने की संभावना परिवार के द्वारा मालूम किया गया। इस घटना के बाद जब हमने वहाँ पर उसको खोजबीन शुरू किया, उसमें SDRF की टीम, पुलिस विभाग की टीम मौके पर खोजबीन शुरू किया, और रात भर खोजबीन करने के दौरान हमें जो है उसमें से 20 घायल व्यक्तियों को निकालने में सफलता मिली। उसमें से एक घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु होने की जानकारी प्राप्त हो रही है, और बाकी जो शेष यात्री थे उस बस में उनका खोजबीन अभी वर्तमान में जारी है। अभी तक 2 शव जो है बरामद किया जा चुका है और अभी और खोजबीन कार्रवाई गतिमान है। सर, क्या अन्य टीमें जनपद में 2 SDRF टीमों को हमने कल रात से यहाँ डिप्लॉय किया था, और अन्य जनपदों से भी SDRF टीमों के लिए रिक्वेस्ट किया था। अल्मोड़ा जनपद से और नैनीताल जनपद से हमें 2 SDRF टीमें यहाँ पर पहुँच गई हैं, और रुद्रपुर से भी हम टीम को रिक्वेस्ट किया है, तो वो भी रास्ते पर है, पहुँचने की संभावना है। NDRF टीम को भी कल रात को मोबालाइज किया था, वो आज अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए हैं और उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोपहर तक हम सारे कार्रवाई को संपन्न कराने में सफल हो सकते हैं। फिलहाल प्रशासन वालों हादसे वाली थां ते SDRF दियां 2 टीमां लगाईयां गईयां ने, जिन्हां वालों घटना स्थान ते रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पौड़ी गढ़वाल तो महेंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट, हमदर्द TV।